नमस्कार, प्रदेश की अहम खबरें लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। नमस्कार, प्रदेश की खास खबरों के साथ मैं शेखर और मेरे साथ है नीलम। एक नज़र आज की सुर्खियों पर। प्रदेश में ब्लड बैंकों की होगी रियल टाइम मॉनिटरिंग, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज अनुभाग की होगी स्थापना। खनन विभाग में मेजर और माइनर ब्लॉक्स की नीलामी के लिए डेलिनेशन कार्य में आएगी तेजी, जून माह से तैयार होगा मासिक ऑक्शन का रोड मैप। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष ने किया केंद्रीय कारागृह और महिला बंदी सुधार गृह का निरीक्षण, बुनियादी व्यवस्थाओं का लिया फीडबैक। प्रदेश में ब्लड बैंकों के सुचारू संचालन के लिए निदेशक जन स्वास्थ्य के अधीन ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज अनुभाग की स्थापना की जाएगी। यह अनुभाग प्रदेश में औषधि नियंत्रण विभाग के साथ समन्वय कर ब्लड बैंक से संबंधित सभी कार्यों में पारदर्शिता और नियमित मॉनिटरिंग करेगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने जेके लोन अस्पताल में प्लाज्मा चोरी प्रकरण की जाँच करने वाली टीम की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के दौरान ये जानकारी दी है। श्रीमती सिंह ने बताया कि जोनल टीमों का गठन कर नियमित अंतराल पर सभी ब्लड बैंकों का निरीक्षण किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि चिकित्सा विभाग की ओर से ब्लड बैंक में बेहतर विजिलेंस के लिए ऑनलाइन सॉफ्टवेयर तैयार करवाया जाएगा, जिसमें बारकोड आधारित इन्वेंटरी मैनेजमेंट और सप्लाई सिस्टम होगा। सॉफ्टवेयर के माध्यम से ब्लड बैंकों की रियल टाइम मॉनिटरिंग भी की जा सकेगी। राज्य में माइनर और मेजर ब्लॉक्स की नीलामी के लिए डेलिनेशन कार्य में तेजी लाई जाएगी। वहीं अवैध खनन गतिविधियों के प्रकरणों की जुर्माना राशि की वसूली के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। यह जानकारी खान सचिव आनंदी ने माइंस और भूविज्ञान विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक में दी। उन्होंने कहा कि राज्य में अवैध खनन पर प्रभावी रोक के लिए अधिक से अधिक माइनिंग ब्लॉक्स तैयार कर नीलामी पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए विभाग की ओर से जून से मासिक रोड मैप तैयार किया गया है। श्रीमती आनंदी ने कहा कि प्रदेश में खनिजों के खोज के लिए ड्रिलिंग रिपोर्ट्स के विश्लेषण और उसके बाद प्लॉट तैयार कर ऑक्शन करने से बेशकीमती खनिजों की अवैध खनन गतिविधियों पर रोक लग सकेगी। वहीं प्रदेश में राजस्व और रोजगार के अवसर विकसित हो सकेंगे। बढ़ते हैं आगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष और जिला एवं सेशन न्यायाधीश सीपी श्रीमाली ने केंद्रीय कारागृह, महिला जेल और जिला कारागृह का निरीक्षण किया। जयपुर महानगर द्वितीय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव पल्लवी शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के निर्देशों की अनुपालना में किए गए इस निरीक्षण के दौरान अध्यक्ष सीपी श्रीमाली ने केंद्रीय कारागृह में निरुद्ध बंदियों से संवाद किया और आवास व्यवस्था, साफ सफाई, खाने पीने और रोजगार सहित अन्य व्यवस्थाओं को लेकर उनका फीडबैक लिया। निरीक्षण के बाद केंद्रीय कारागृह में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन भी किया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से सहायक आचार्य पुस्तकालय अध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक कॉलेज शिक्षा विभाग परीक्षा 2023 के तहत ऐच्छिक विषय ज्योग्राफी की परीक्षा का आयोजन अजमेर और जयपुर जिला मुख्यालय पर किया गया। आयोग की ओर से बताया गया कि इस विषय की परीक्षा के लिए कुल 23,193 अभ्यर्थी पंजीकृत किए गए थे। इनमें से सुबह 9 बजे से 12 बजे तक आयोजित प्रथम प्रश्न पत्र की परीक्षा में 8,051 अभ्यर्थी और दोपहर 2:30 से 5:30 बजे तक आयोजित द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा में 7,982 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए। भरतपुर में जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने कहा कि राजस्व अधिकारी काश्तकारों की समस्याओं का समय पर निराकरण करें और क्षेत्र में प्रभावी भूमिका निभाएं। उन्होंने आम रास्तों, कस्बों में अतिक्रमण के मामलों को गंभीरता से लेते हुए अभियान चलाकर इन्हें हटाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही बूंदी में जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान निर्देश दिए कि अस्पताल परिसर में साफ सफाई व्यवस्था को लेकर विशेष ध्यान दिए जाए। साथ ही इंटरलॉकिंग वाटर कूलर, फेंसिंग, टीन शेड कूलर की व्यवस्था सुनिश्चित करें। इसी कड़ी में भीलवाड़ा जिला कलेक्टर नमित मेहता और जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने मांडलगढ़ की ग्राम पंचायत मोहनपुरा और गेनोली में रात्रि चौपाल की। जिला कलेक्टर ने ग्रामीणों की विभिन्न समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। जोधपुर जिला कलेक्टर श्री गौरव अग्रवाल ने पंचायत समिति भोपालगढ़ के ग्राम अर्टिया कलां, अर्टिया खुर्द, झाला मलिया और आसोप में जल जीवन मिशन कार्यों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के कार्यों को समय पर पूरा करने के साथ ही उनमें गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाए। तो आज का पॉडकास्ट यहीं तक, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।